हेलो टेंथ क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सेकंड आपका यूनिट है चाइनीज़ न्यू ईयर। इसके लेसन में जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, उनको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उन्हें भी हम पढ़ेंगे। लेसन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट पैराग्राफ के बाद है। व्हाई इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर? अहले चीन का नया साल हर साल उसी दिन क्यों नहीं होता, सेम डे पे क्यों नहीं होता जो पिछले साल था? उसकी एक तो रीज़न ये है कि चाइनीज़ जो हैं वो अपना न्यू ईयर ल्यूनर कैलेंडर के मुताबिक सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम अपनी ईदैन या अपने मज़हबी त्यौहार जो हैं वो ल्यूनर कैलेंडर के मुताबिक उनको सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए कोई भी जो इवेंट होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होती है, वो हर साल सेम डे पे नहीं आती। तो व्हाई इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर? अहले चीन का नया साल हर साल उसी दिन को क्यों नहीं आता? इन चाइना ल्यूनर कैलेंडर इज़ यूज्ड। चाइना में ल्यूनर कैलेंडर कमरी जदवल इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमिन तय करने के लिए हॉलीडेज छुट्टियाँ। ल्यूनर ईयर इज़ शॉर्टर। कमरी साल छोटा होता है दैन द सोलर ईयर, शमसी साल से। सो द न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे। इसलिए नया साल हर बार एक ही दिन को शुरू नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन लेसन का पैराग्राफ नंबर 2 के बाद है जी। व्हाट इज़ चाइनीज़ बिलीफ अबाउट क्लीनिंग हाउसेस बिफोर न्यू ईयर डे? नए साल के दिन से कबल घरों को साफ़ करने के बारे में चाइनीज़ का क्या बिलीफ है, उनका क्या अकीदा है? आंसर, दे बिलीव दैट क्लीनिंग द हाउस विल क्लियर आउट बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। उनका ख्याल है कि घरों को साफ करना गुज़श्ता साल की बदकिस्मती को साफ कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 4 के आखिर पर है। व्हाई डज दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 or 9 डिशेस? खाना, रात का ये खाना 8 से 9 पकवान पर या डिशों पर क्यों मुश्तमिल होता है? इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़ुबान में द वर्ड 8 मीन्स लफ्ज 8 का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड 9 मीन्स और 9 का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, देर पा। सो दिस डिनर, इसलिए ये खाना कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होता है 8 or 9 डिशेज, 8 से 9 डिशों पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पैराग्राफ नंबर 6 के आखिर पर। इज़ चाइनीज़ बिलीफ अबाउट पीपल हैविंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल अफेक्ट और एन ओपिनियन? चीनी जो अकीदा रखते हैं कि हर साल जो शख्स पैदा होता है और वो जिस जानवर का साल होता है, क्या उस शख्स में उस जानवर की खसूसियात वाकईतन आती हैं या ये कोई एक राय है, हकीकत है या राय है? क्या चीनियों का एतकाद के लोगों में जानवरों के किरदार की खूबी होती है हकीकत है या राय? इज चाइनीज़ बिलीफ अबाउट पीपल हैविंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स अफेक्ट और एन ओपिनियन, क्या ये हकीकत है या राय है कि इंसान के अंदर जो है, चीनियों के मुताबिक इंसान के अंदर उस जानवर की खूबियाँ या खामियाँ हो सकती हैं? आंसर है जी, आई थिंक इट इज़ नॉट अ फैक्ट। मेरा ख्याल है कि ये हकीकत नहीं है, इट इज़ नॉट अ फैक्ट, इट इज़ एन ओपिनियन, ये एक राय है, ये उनकी अपनी एक सोच है, परसेप्शन है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं एक्सरसाइज वाले। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट? अहले चीन का नया साल कब शुरू होता है? चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट्स बिटवीन 21 जनवरी 21 जनवरी से टू 20 फरवरी 20 फरवरी के दरमियान। चाइनीज़ न्यू ईयर 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान कहीं आता है और इसकी जगह जो है, इवेंट का जो डे है वो चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू चाइनीज़ फैमिलीज़ डू थॉरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे?
नए साल के पहले दिन से कबल चीनी ख़ानदान अपने घरों को मुकम्मल तौर पर क्यों साफ़ करते हैं? दे बिलीव दैट, वो ये यकीन रखते हैं, थॉरो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई, क्लियर्स आउट, साफ़ कर देती है बैड लक, बदकिस्मती को, ऑफ द प्रीवियस ईयर, गुज़श्ता साल की। इट आल्सो मेक्स द हाउस रेडी, ये घर को तैयार करती है टू एक्सेप्ट, कि वो कबूल करे गुड लक, खुशकिस्मती फॉर कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए, यानी आने वाले साल के लिए घर को तैयार करती है कि उसमें खुशकिस्मती आए। क्वेश्चन नंबर 3, विच कलर इज़ नॉट अलाउड एंड विच कलर इज़ इनकरेज्ड ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर? किस रंग की पहनने की, किस रंग को पहनने की इजाज़त नहीं होती और किस रंग को पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, एंड वाई, और क्यों? ब्लैक कलर इज़ नॉट अलाउड, काले रंग की इजाज़त नहीं होती, स्याह रंग की इजाज़त नहीं होती, एज़ चूँकि इट इज़ सिंबल ऑफ डेथ, ये मौत की अलामत है। रेड कलर इज़ इनकरेज्ड, सुरख रंग की हौसला अफजाई की जाती है, एज़ इट टर्न्स अवे बैड स्पिरिट्स, क्योंकि ये टर्न्स अवे, भगा देता है बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिम्बोलाइज? सिम्बोलाइज का मतलब अलामत होना। दरवाज़ों और खिड़कियों पर सजावटें किस चीज़ की अलामत हैं? डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिम्बोलाइज लक एंड हैप्पीनेस, ये खुशकिस्मती और ख़ुशी की अलामत होती हैं। दे हेल्प फैमिलीज सिट टुगेदर, ये ख़ानदानों को इकट्ठा करने में मदद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू ईयर्स ईव डिनर? नए साल के मौके पर रात के खाने की क्या अहमियत है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर? इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़ुबान में, द वर्ड 8 मीन्स, लफ्ज़ 8 का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड 9 मीन्स, और 9 का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, देरपा। सो लिहाजा द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की रात का जो खाना होता है, is very important, बहुत अहम होता है। It helps families sit together, ये ख़ानदानों को इकट्ठा बैठने का मौका देता है। क्वेश्चन नंबर 6, what do the little red envelopes filled with money symbolize? What do the little red envelopes filled with money symbolize? रकम से भरे हुए छोटे सुरख लिफाफे किस चीज़ की अलामत होते हैं? Little red envelopes filled with money symbolize wealth and prosperity, खुशहाली और दौलत की अलामत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, what is the importance of Chinese New Year for Chinese families? अहले चीन के ख़ानदान के नज़दीक चीन के नए साल की क्या अहमियत है? Chinese families come together, इकट्ठे होते हैं, come together, अहले चीन के जो ख़ानदान होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, या अहले चीन इकट्ठे होते हैं, To give thanks, शुक्रिया अदा करने के लिए, for the past year, गुज़श्ता साल का, and refresh themselves, और ताज़ा दम करते हैं खुद themselves, खुद को, for the coming year, आने वाले साल के लिए। एक तो गुज़श्ता साल का शुक्रिया अदा करते हैं, second वो खुद को आने वाले साल के लिए refresh करते हैं, ताज़ा दम। So it is very important for them, इसलिए ये त्यौहार, ये नया साल उनके लिए बड़ा अहम होता है। तो ये लेसन के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छी तरह याद करने हैं, इन्हें आपने रफ़ नोटबुक पे लिखना है, इसे बार बार लिख के याद करना है ताकि ये अच्छी तरह आपको याद हो सके, और आपकी जो असाइनमेंट होगी, थर्ड असाइनमेंट जब भी वो आएगी उसमें, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको ज़्यादा इसके लिए मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी आप इस पर काम कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।